हेलो एवरी वन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आई बी पी एस ए एफ ओ मेन्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले भी हमने फिशरीज़ के लेक्चर प्रिपेयर किए हैं जिसमें हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है और कुछ वीडियोज़ में हमने वन लाइनर को डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है फिशरीज़ के प्रोस्पेक्टिव से तो आज के वीडियो में हम कि फिश माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फिश माइग्रेट क्यों करती है कितने टाइप के माइगेशन्स हैं ये सारी चीजें हम विद एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव टू द स्लाइड फर्स्टली हेयर द क्वेश्चन अराइजेस वाई फिश माइग्रेट्स फिश क्यों माइग्रेट करती है जस्ट लाइक इन अदर एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हैबिट ऑफ माइग्रेशन वाई दे डू माइग्रेशन दे बेसिकली डू माइग्रेशन इन द लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फीडिंग एंड अदर ब्रीडिंग पर्पजेस फॉर द प्रोडक्शिंग फॉर द प्रोडक्शन फॉर स्पॉनिंग एंड टू अवॉइड द एक्सट्रीम वैदर कंडीशन जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है उससे बचने के लिए वो लोग माइग्रेशन करते हैं सो हेयर देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ फिश माइग्रेशन द फिश लाइक अरिंग्स एंड द कॉट दैट इज केडस मोरोआ ईल दैट इज एंग एंगुल एंड हिलसा फिश दैट इज हिलसा एलिसा एंड सैलमोन दैट इज सल्मो स्पीसीज तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो माइग्रेशन करते हैं इमेज में भी यहाँ पे शो कर रखा है जो आपका ये है ये है द कॉर्ड यह आपका ईल फिश ये है आपका हिल्सा फिश एंड दिस इज़ सलमोन फिश तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सिग्निफिकेंस है फिश माइग्रेशन का तो पहला तो हो गया कि फीडिंग जो उनकी फीडिंग है फीडिंग के लिए वो माइग्रेशन करते हैं मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में वो रह रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग है उधर मान लीजिए रिवर की बात हो या चाहे सी की बात हो अब वहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ फूड का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है तो उन लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है इसके साथ साथ स्पॉनिंग करने के लिए भी ये माइग्रेट करते हैं अगला टू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स जो प्रीडेटर फीस होती हैं बड़ी बड़ी फिसज़ होती हैं इनको खा जाती हैं तो उनसे बचने के लिए भी ये माइग्रेशन करती हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मान लीजिए समर का टाइम चल रहा है एक्सट्रीम हीट हो गई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो गया कि हाई टेंपरेचर हो गया तो इससे बचने के लिए लाइक like आपका जो सालमोन जो फिश है वो क्या करती है वो माइग्रेट करने लग जाती है अपस्ट्रीम में ठीक है देन आपका इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी को ये इंक्रीज करता है अगला है इट इज़ एन एडॉपशनल करेक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक इन अदर एनिमल्स ये एक एडोपटेशनल करेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जस्ट लाइक अदर एनिमल्स लाइक आपका कुछ भी हो एलिफेंट हो या आपका टाइगर हो कुछ भी हो तो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए ये उसको बहुत ज़्यादा फेवर करती है ठीक है तो ये हमने देखा फिश माइग्रेशन के बारे में अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप के हैं माइग्रेशन इन केस ऑफ फिशेस एक आपका एलिमेंटल माइग्रेशन जो बेसिकली होता है फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर खाने का और पानी का रहने का उस पर्पज से अगर माइग्रेशन किया जा रहा है फिश के द्वारा तो उसको एलिमेंटल माइग्रेशन कहा जाएगा सेकेंड वन इज गैमेटिक माइग्रेशन ये क्यों किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग पर्पज जो फिशेस है वो रिप्रोडक्शन के पर्पज से माइग्रेशन करती हैं थर्ड वन इज क्लाइमेटिक माइग्रेशन जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए फिशेस माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक एंड थर्ड मतलब आपका जो फोर्थ है वो है ऑस्मो रेगुलेट्री माइग्रेशन टू में ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आया था आई बी पी एस सी एफ ओ दो हजार इक्कीस बाईस वाला जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि यूराई यूराइलाइ फीसेस क्या होती है क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी फीसिस हैं जो वो टॉल करती हैं वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटीज़ तो उसको बोला जाता है यूराई हेलाइज ये ऑस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन वाले पार्ट का ही हिस्सा है ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं इससे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि उनका पर्पज़ क्या है माइग्रेशन का उस बेसिस पे हमने देखा कि एलिमेंटल है आपका जो गेमेटिक है तो इस तरीके से देखा था यहाँ पे अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे माइग्रेशन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट जो उनका जो हैबिटेट है कि कहाँ पर उनको रिप्रोडक्शन करना है कहाँ वो लोग रहते हैं कैसे माइग्रेट करते हैं पैटर्न क्या है तो उस बेसिस पे यहाँ पे देखो तीन टाइप का है पहला है पोटेड्रोमस ओशनाड्रोमस और थर्ड वन इज डायड्रोमस डायड्रोमस और डायड्रोमस के अंदर दो है आपका कैटाड्रोमस एनाड्रोमस और इसके साथ साथ कभी कभी एम्फ्रीड्रोमस भी यहां पर ऐड किया जाता है तो आपको ये याद रखना है चलो मैं यहां पर लिख भी देता हूं फर्स्ट वन इज पोटेड्रोमस सेकेंड वन इज आपका ओशियनोड्रोमस एंड थर्ड वन इज डायड्रोमस ठीक हो बेसिक तो आपका ये हो गया तीन पोटेड्रोमस में क्या है कि आपका जो फिश है वो रिप्रोडक्शन और रहना जो भी है वो रिवर के अंदर करता है वो माइग्रेट नहीं करता इन द सी वाटर ओशनोड्रोमस जो कि नाम से ये सजेस्ट हो रहा है कि ये रहता भी सी वाटर में है और रिप्रोडक्शन भी यहीं पे करता है ये माइग्रेशन नहीं करता है तो ये ओशनोड्रोमस है थर्ड वन इज डायड्रोमस डायड्रोमस का मतलब क्या है माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर एंड सी वाटर टू फ्रेश वाटर ठीक है तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है तो सबसे पहले कैटाड्रोमस क्या है कैटाड्रोमस आपका रिवर्स से सी की तरफ माइग्रेट करता है रहता तो रिवर में है पर वो रिप्रोडक्शन या स्पॉनिंग के लिए बेसिकली जो स्पॉनिंग या रिप्रोडक्शन के लिए ये जाता है सी में कैटेड्रोमस और के, के केस में ये सी में रहता है पर कुछ स्पेशल पर्पस के लिए लाइक आपका स्पॉनिंग एंड रिप्रोडक्शन ये जाता है रिवर्स में ठीक है तो ये हमने देखा बेसिक कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें पोटेड्रोमस जो फर्स्ट हमें देखा गई पानी में ही रहता है ये माइग्रेट करता है विद इन द फ्रेश वाटर तो उसका एग्जाम्पल है आपका कार्प्स और जो कैटफिस हैं तो ये पोटेड्रोमस में आएंगे ओशन एनड्रोमस की जो हमने बात करी थी कि वो सी के अंदर ही माइग्रेट करता है तो इसका एग्जाम्पल है ट्यूना डायड्रोमस के केस में कि फिश ट्रेवल्स बिटवीन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर टू रेगुलेट द ऑस्मोटिक बैलेंस शरीर के अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए एग्जाम्पल है इसका हिल्सा और डायड्रोमस के अंदर तीन टाइप होते हैं एक है एनाड्रोमस कैटाड्रोमस एंड एम्फीड्रोमस एनड्रोमस क्या होता है कि इनका माइग्रेशन होता है सी से फ्रेश वाटर में तो इनको बोला जाता है एनाड्रोमस और इसका एग्जाम्पल है सालमोन एंड हिलसा कैटाड्रोमस के केस में फ्रिश लिव इन फ्रेश वाटर एंड ब्रीड इन ओशियन ओशियन में माइग्रेट करती है ये ठीक है तो इसका एग्जाम्पल है आपका ईल एंगुला स्पीसीज तो ये एग्जाम्पल है कैटाड्रोमस का के केस में फिश मूव बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल बट नॉट टू ब्रीड इनका ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग नहीं है जैसे ऊपर तो क्या है कि वो एक पर्पज़ के लिए जा जाएंगे या तो स्पॉनिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा पर्पज नहीं है वो बस जस्ट मूव करती है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में तो ये एम्फी होंगे ठीक है इसके अलावा फॉरेस्ट फीस क्या होती है फॉरेस्ट फीस जो स्कूल्स होते हैं स्कूल्स मीन्स द ग्रुप ऑफ फिश ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहा जाता है तो ये क्या करती है ट्राइंगर पैटर्न बनाती हैं विद इन द जो हमारे ओशंस हैं या कोई कंट्रीज हैं तो उनके जो ओशन है आसपास के लगे ओशंस तो वहाँ से ये ऐसे मूव करती हैं ट्रेंगुलर पैटर्न में कि उनका फीडिंग ग्राउंड तो होगा आइसलैंड में नर्सरी ग्राउंड होगा नॉर्वे में तो ऐसे करके उनका एक ऐसे पैटर्न बनता है कि यहाँ पर उनका नर्सरी है यहाँ पर उनका फीडिंग वाला हो गया और यहाँ पर उनका ब्रीडिंग वाला हो गया तो उस तरीके से कुछ ये पैटर्न बनाते हैं तो इनको फॉरेस्ट फिशेस कहा जाता है अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन क्या है कि स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहा जाता है जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं आपका हाइड्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं लिम्नोलॉजी पढ़ते हैं लिम्नोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स जो लेक्स हैं रिवर्स हैं ये भी पढ़ते हैं एक्वाकल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं ठीक है एक्वाकल्चर तो अलग हो गया एक्वाकल्चर में आप कन्फ्यूज मत होइए एक्वाकल्चर में आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल्स जिनको रेयर किया जाता है इन वाटर तो इसको एक्वाकल्चर बोला जाता है ठीक है बट यहाँ पे एक टर्म है इस थियोलॉजी ई आई टी सी एच थियोलॉजी तो इस्थियोलॉजी क्या है इस्थियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज एंड जो उनका कॉमर्शियल एस्पेक्ट थे है फिशरीज़ का उसको पढ़ा जाता है केमिस्ट्री ऑफ वाटर पढ़ा जाता है लिमिनोलॉजी पढ़ा जाता है जो आपके क्राफ्ट होते हैं कि जो बोट कौन सी यूज़ करनी है नेट कौन से यूज़ करने हैं कौन सी मेथड होनी चाहिए फिशरीज़ की तो ये सारी चीज़ें इस थियोलॉजी में पढ़ी जाती है तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इसको ज़रूर याद रखिएगा अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिश माइग्रेशन को अफेक्ट करते हैं देखिए पहले तो हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट था ये बस बेसिक आपको पता होना चाहिए फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आपका डेप्थ ऑफ वाटर कितना है कितनी डेप्थ में रह रहा है फ़िश ठीक है कि आपका टर्बिडिटी कितना है टर्बिडिटी ऑफ वाटर ये कितना है मटेरियल्स क्या हैं स्टोन पेबल्स कितने हैं उसमें ठीक है तो ये फिजिकल फैक्टर्स केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं आपके लाइक पी लेवल कितना है पानी का स्मेल कैसा आ रहा है पानी का एंड टेस्ट ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर और जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं पॉल्यूटेंट्स गैसेस एटसेट्रा तो ये आपके केमिकल फैक्टर्स में आएंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में लाइक like आपका ब्लड प्लेस ब्लड प्रेशर कितना है फिशेस का हार्मोनल बैलेंस कैसा है हार्मोनल बैलेंस एंड देर आर फूड फूड ड्राइव कितना है उनके शरीर में तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर में टेम्परेचर और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इन समर्स में तो माइग्रेशन किया जाता है अप स्ट्रीम में फॉर द स्पॉनिंग इस्पोनिंग के लिए माइग्रेशन किया जाता है वाटर करेंट इफेक्ट करते हैं वाटर करेंट कैसे इफेक्ट करेंगे ये डायरेक्शन पर इफेक्ट करेंगे किस कि डायरेक्शन में बहाव ज़्यादा है वहीं को ये फिसज जाएंगी इसके साथ साथ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट तो कुछ कुछ फिसज़ क्या होती हैं वो लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उस वजह से ये क्या करते हैं माइग्रेट करती हैं अगला है सेलिनिटी ऑफ वाटर सेलिनिटी ऑफ वाटर जैसे आपका मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ ये मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ लाइक इस्टीनो हैलस इस्टीनो हैलैंस जो फिशेज होती हैं ये माइग्रेशन नहीं करती हैं लार्ज स्केल माइग्रेशन नहीं करती हैं बट जो मैंने बात करी थी आपकी यूराई हेलाइन ये जो फिशज होती हैं ये बहुत ज़्यादा माइग्रेशन करती है बहुत ज़्यादा ठीक है फ्रेश वाटर से सी वाटर में ओशियन से फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के पर्पज़ से इसके एग्जाम्पल भी हैं आपका ईल है हिल्सा है सालमोन है तो ये यूरा हेल फिशेज़ के एग्जाम्पल हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को कवर किया फिश माइग्रेशन के रिगार्डिंग अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प होती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इससे रेलटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए फिशरी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ से नेक्स्ट टाइम टिल दैन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर